नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का खेल। आजमगढ़ जिले से सपा के बाहुबली नेता, 8 बार के विधायक, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बाहुबली दुर्गा प्रसाद यादव ने जनसंपर्क के दौरान 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने की बात कह दी, जिसके बाद यह वीडियो वायरल हो रहा है और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। खुद दुर्गा प्रसाद यादव के समर्थक भी असमंजस की स्थिति में फंस गए और यह नहीं समझ पाए कि विधायक जी का मंसूबा क्या है। कहीं वे पार्टी तो नहीं बदलने वाले, लेकिन बाद में विधायक ने खुद सफाई देते हुए कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी। वे बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे, लेकिन सपा को बोल दिए। आपको बता दें कि बाहुबली नेता दुर्गा प्रसाद यादव की गिनती समाजवादी पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं में होती है। दुर्गा प्रसाद यादव 8 बार से विधायक हैं और सपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान दुर्गा प्रसाद यादव की जुबान फिसल गई और सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।